स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, बुद्ध पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है? ए आषाढ़ में पूर्णिमा का दिन, बी आषाढ़ में अमावस्या का दिन, सी वैशाख में पूर्णिमा का दिन, डी वैशाख में अमावस्या का दिन। आंसर सी वैशाख में पूर्णिमा का दिन। एक्सप्लेनेशन, बुद्ध पूर्णिमा जिसे बुद्ध जयंती या बुद्ध के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है 23 मई 2024 को मनाई गई। गौतम बुद्ध को इसी शुभ दिन पर बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ए ज्योति रात्रे, बी अरुणिमा चौधरी, सी आशालता सिन्हा, डी सोनी कुमारी। आंसर ए ज्योति रात्रे। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। 55 वर्षीय रात्रे मध्य प्रदेश की रहने वाली है। इससे पहले साल 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला 53 वर्षीय संगीता बहल थी। रात्रे का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का ये दूसरा प्रयास था। साल 2023 में खराब मौसम के कारण उन्हें 8160 मीटर से वापस लौटना पड़ा था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी? ए 2.82 लाख करोड़, बी 1.5 लाख करोड़, सी 1.85 लाख करोड़, डी 2.11 लाख करोड़। आंसर डी 2.11 लाख करोड़। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ के लाभांश भुगतान की मंजूरी दी। ये निर्णय 22 मई 2024 को मुंबई में RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक के दौरान किया गया। डिविडेंड भुगतान चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। अनुमान से अधिक लाभांश मिलने से सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए मलेशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी जापान। आंसर बी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने हाल ही में महिला एशियाई कप के 2026 और 2029 के मेजबानों की घोषणा कर दी है। साल 2026 में ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और साल 2029 में उज्बेकिस्तान की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। AFC कार्यकारी समिति ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित बैठक में इसकी घोषणा की। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शौ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए चंद्रकांत आर नारायण, बी विवेक आर रंजन, सी श्रीनिवास आर कुलकर्णी, डी अशोक मोहंती। आंसर सी श्रीनिवास आर कुलकर्णी। एक्सप्लेनेशन, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शौ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैल्टेक में प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। उन्होंने अपनी PhD 1983 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से की थी। शौ प्राइज खगोल क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है।